बोट वेव कॉल 2 इस स्मार्ट वॉच का नाम है जिसका हम सेटअप करने वाले हैं। और यही नहीं, जितने भी बोट के दूसरे स्मार्ट वॉचेस हैं जो बोट क्रेस्ट ऐप को सपोर्ट करते हैं, उन सभी को आप सेम एज इट इज ऐसे ही सेटअप कर सकते हो जो इस वॉच के बारे में बताने वाले हैं। बस पूरी वीडियो ध्यान से देखना और स्टेप बाय स्टेप आप भी फॉलो करते जाना। और ये ऐप दोनों ही एंड्रॉयड और आईफोन के लिए अवेलेबल है। और यहाँ बहुत लोग पूछेंगे, भैया इसका रिव्यू कब करोगे? तो यार अभी इस पे थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं, एकदम तगड़ा और भयानक रिव्यू लाने वाले हैं। पूरे यूट्यूब पे बता रहे हैं, किसी ने ये सारी बातें ना बताई होगी जो हम आपको बताएंगे। तो टेस्टिंग जारी है यार, एक दो दिन वेट करो, बहुत ही तगड़ा रिव्यू लेकर के आएंगे। बाकी यहाँ पे सेटअप कैसे करना है ये जान लो। तो यहाँ पे आप लोगों को कर लेना है बोट क्रेस्ट ऐप को डाउनलोड, जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। और ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा इसको कर लेना है ओपन। तो यार यहाँ पे सेटअप करने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा बोट क्रेस्ट ऐप। और जैसे ही आप इसको ओपन करो, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर से लॉगिन कर लेना है। तो जैसा कि OTP से वेरीफाई होकर यहाँ पे लॉगिन हो गया है, अब यहाँ पे हम पेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉच की लिस्ट आ गई है, वेव कॉल 2 है हमारी वॉच का नाम। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है वॉच को अपने क्लोज रखो फ़ोन से, तो हमने यहाँ पे क्लोज रखा हुआ है। और ये आ गई भाई, इसको यहाँ से पेयर कर लेते हैं। तो काफ़ी इजी सेटअप है, बिल्कुल भी तामझाम नहीं है। और यहाँ पे वॉच कनेक्टेड हो गई है, हमको वॉच को छूना भी नहीं पड़ा, बस पास में रखना रहा, ऑन करके बस पास में रख के फ़ोन सेटअप कर लिया है। तो देखो यहाँ पे टाइम भी ऑटोमेटिक सेट हो गया है, पहले 4 बज रहे थे भाई, कनेक्टेड नहीं था। और यहाँ देख सकते हो यार, अपडेट भी आ गया है वॉच को ऑन करते ही, मतलब कनेक्ट करते ही। तो अपडेट कर लिया जाए, करंट वर्जन जो था वो ये चल रहा है और अपडेट ये आया है। तो यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं वॉच को, और इसको क्लोज रखना है वॉच को अपडेट करते समय, इस चीज़ का ध्यान रखना। वॉच ऑफ नहीं होनी चाहिए, बैटरी कम से कम 50% से ऊपर होनी चाहिए, तब जाके अपडेट वगैरह किया करो। और ऑफ तो भाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऑफ स्क्रीन ऑफ नहीं, पूरा ऑफ नहीं होनी चाहिए वॉच, ठीक है। जैसा कि देख सकते हो यार, यहाँ पे 100% वॉच अपडेट हो चुकी है। प्लीज़ वेट फॉर द डिवाइस टू रिकनेक्ट आफ्टर इंस्टॉलिंग। तो यानी कुछ नहीं करना है, कोई छेड़खानी नहीं करनी है वॉच के साथ, नहीं भैया पता चला वॉच ही डेड हो जाए, समझ रहे हो। तो ध्यान से किया करो, वेट किया करो अपडेट करते समय, ठीक है, छेड़खानी नहीं। यहाँ पे डन कर देते हैं। और यहाँ पे भाई अगर ऐप की बात कर ले तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार हमें। जो दूसरी वॉचेज आती हैं इस सेगमेंट में, जो भी वॉच है किसी भी ब्रांड की, उन सभी से काफ़ी बेहतर यहाँ पे एक्सपीरियंस दिख रहा है। और वहीं अगर हम ऐप की बात कर लें यार, तो बहुत ही अच्छा ऐप दिख रहा है यहाँ पे। दूसरी वॉचेस जितनी भी सेगमेंट्स में आती हैं उनसे काफ़ी तगड़ा ऐप एक्सपीरियंस लग रहा है हमें। फिटनेस की बात कर ले तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको UI देखने को मिल जाता है। ओवरऑल माय वॉच, अब अपनी वॉच की तरफ आ जाए तो बैटरी दिखा रहा है, BT कॉलिंग, ये सब रिफ्रेश वगैरह कर सकते हो, वॉच फेसेस यहाँ से चेंज कर सकते हो, सेटिंग भी जा सकते हो, फाइंड माई वॉच भी कर सकते हो, तो फाइंड माई वॉच का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। और ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह के लिए तो है ही, 700 एक्टिविटीज़ है भाई स्पोर्ट्स को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना। और वेव कॉल टू फीचर, स्पोर्ट्स स्कोर और अलार्म, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जिस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे सेटिंग्स, वॉच कंट्रोल्स को यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और यहाँ पे वॉच गेस्चर जो है ऑन ऑफ कर सकते हो, और उनको शेड्यूल भी कर सकते हो। शेड्यूल करने से क्या होगा कि भाई 6 से सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक आपका ये वॉच इस तरह काम करेगा, और रात भर बेवजह इसकी डिस्प्ले ऑन नहीं होगी, वॉच हिल गई तो डिस्प्ले ऑन हो रही, ये हो रहा है। तो भाई काफ़ी सही चीज़ है यार, छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो, डिस्टेंस जो है आप किलोमीटर वगैरह में और उसमें जो है माइल्स वगैरह में चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब मोड शेड्यूल भी कर सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड को, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स भी देख सकते हो, गूगल फिट को जो है लिंक कर सकते हो, यहाँ पे ये सारे नोटिफिकेशन आप अलाउ कर सकते हो अगर आपको कॉलिंग, SMS और ऐप नोटिफिकेशंस चाहिए तो। और यहाँ BT कॉलिंग पे जाओगे तो यहाँ पे भाई कॉल नोटिफिकेशन को अनेबल कर लो। और यहाँ पे योर सिंक कॉन्टैक्ट, इसको भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे सिंक कर सकते हो कॉन्टैक्ट को भी। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही अच्छी है कि क्रेस्ट OS देखने को मिलता है वॉच में, जिसकी वजह से बहुत सारे फीचर्स है जो इन फ्यूचर भी बोट अप्लाई कर सकता है इस वॉच में। तो अब जैसे कि क्रिकेट स्कोर वाला है मैटर, हमको बड़ा अच्छा लगा यार। नोटिफिकेशन, म्यूजिक को प्ले एंड पॉज कर सकते हो, यहाँ से वॉल्यूम घटा और बढ़ा सकते हो। उसके बाद बाकी आपकी जितने भी फीचर्स हैं, ये सारे हार्ट रेट, स्पीड, तो सब मिल जाता है भाई। ओवरऑल बहुत अच्छी लगी यार। और इसको देर तक दबाते ही भाई आप सेटिंग्स पे आ जाओगे तो देख सकते हो यहाँ पे कॉल, सारे आपको वॉइस असिस्टेंट्स भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यार यहाँ पे वेव कॉल 2 और बोट स्टॉर्म 2 और इस तरह की जितनी भी इनकी वॉचेस हैं, उनको कैसे सेटअप करना है
हमने यहाँ पे बता दिया है, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर लेना दोस्त। तो जहां तक हमें उम्मीद है यार, जिस जिसने भी ये वीडियो देखी होगी उसने अपना सेटअप जो है वॉच का इजिली कर लिया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है या फिर आपकी वॉच में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करना यार, हर एक कमेंट का जवाब देते हैं और सबका सॉल्यूशन वहीं कर देते हैं। इसके अलावा यार सिर्फ सेटअप वगैरह वीडियो नहीं बनती इस चैनल पे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे रिव्यूज लाते हैं और सब के सब एकदम जेन्युइन होते हैं, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स खुद अपने पैसों से बाय करके तब रिव्यू करते हैं। इवन इसको भी हमने अपने पैसों से बाय किया हुआ है और ये पैसे जो हैं जनरेट हो पाते हैं हमारे एफिलिएट लिंक से, जिसका यूज आप करते हो और उससे जो थोड़े बहुत पैसे जनरेट होते हैं उन्हीं से ये सारे प्रोडक्ट्स हम मंगाते हैं और एक सच्चा और धाकड़ रिव्यू आपको दे पाते हैं। और इससे ये हो जाता है ना यार कि किसी भी ब्रांड का दबाव नहीं रहता है हमारे ऊपर और हम एकदम सच्चा और अच्छा कंटेंट ला पाते हैं आप लोगों के लिए। तो ऐसे ही सच्चे और अच्छे कंटेंट के लिए यार चैनल को सपोर्ट जरूर करना, आप लोगों का सपोर्ट बहुत मोटिवेट करता है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।